Hello students and welcome to Vidya Mandir classes. I'm Sanjana Jain, your botany faculty. So abhi tak hum logon ne start kiya tha photosynthesis in higher plants chapter. Is chapter ke andar hum logon ne deal kiya hai historical account, photosynthetic pigments, what is the importance of photosynthetic pigments, kaun kaun se organisms photosynthesis show karte hain, photosynthesis ki definition and action and absorption spectrum. आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वी आर गोइंग टू डील विद सम क्वेश्चंस. हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज अ ट्यूटोरियल ऑन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. यू कैन जस्ट पुट डाउन द हेडिंग इफ यू वांट, दैट इज फोटोसिंथेसिस in higher plants. Okay, so starting with the first question, the first question states that choose incorrect with respect to photosynthesis. So basically you have to choose the incorrect option or statement photosynthesis ke respect mein. It is a physicochemical process. Oxygen is evolved as a byproduct in all photosynthetic organisms, occurs in unicellular and multicellular photoautotrophs, anabolic process hai aur reductive process hai. To ye physical chemical process hai, bilkul theek baat hai. Isme physical chemical maine aapko bataya tha, isme chemical energy ka synthesis hota hai, ATP ka formation hota hai, NADPH ka formation hota hai aur physical process bhi hai. फिजिकल प्रोसेस कैसे है? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट्स का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है? देन ऑक्सीजन इसमें से इवॉल्व होता है एज अ बाय प्रोडक्ट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, green sulfur bacteria, so basically photosynthetic bacteria में से अगर आप cyanobacteria को हटा दो तो बाकी सारे bacteria anoxygenic photosynthesis दिखाते हैं. मतलब वो photosynthesis के time पर oxygen release नहीं करते, anoxygenic photosynthesis. ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया, म्यूग्रीन एल्गी, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या दिखाते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते. वी हैव द एक्सेप्शन, दैट इज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शोइंग ऑर्गेनिजम्स. अगर इन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर फोटोऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलर फोटोऑटोट्रॉप्स में यू हैव multicellular algae, you have bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Or angiosperms. ठीक है, unicellular फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपके पास कौन कौन से आ गए? जैसे कि आपके पास क्राइजोफाइट्स में डायटम्स, डेस्मिड्स, डायटम्स, डेस्मिड्स, डाइनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे क्या है? यूनिसेलर फोटो ऑटोट्रॉप्स. सो दिस इज बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. एनाबॉलिक प्रोसेस होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक बात है. रिडक्टिव प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है किसमें? ग्लूकोज में. और ऑक्सीडेशन भी होता है यहाँ पे, रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं इसको. ऑक्सीडेशन भी होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में. तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो गलत स्टेटमेंट हो गई ऑप्शन नंबर टू. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू.
Question number two states that a milestone contribution of the following of the to the understanding of photosynthesis was made by Cornelius van Niel, which was based on the studies of bacteria, alga, angiospermic plant and lower plant. तो आपको पता है Cornelius van Niel ने एक discovery की थी using purple and green sulfur bacteria. इस डिस्कवरी से इन्होंने ये बताया था कि वॉटर इज द डोनर ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. तो वॉटर से ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता. तो ये माइलस्टोन डिस्कवरी उन्होंने दी थी यूजिंग purple and green sulfur bacteria. So alga, angiospermic plant, lower plant galat ho gaya aur answer ho gaya option number 1. Moving on to the next question, that is question number 3. The essential role of the air in the growth of green plants was revealed by. To green plants ke liye air essential hai, ye kiske experiment se पता चला था? Priestley, Van Niel, Blackman और Emerson. Emerson ने red drop experiment दिया था, उसमें उन्होंने air और green plants को relation को नहीं consider किया था, light spectrum को consider किया था कि किस spectrum की किस range में किस wavelength में photosynthesis कम या ज्यादा होती है. Blackman ने dark reactions में contribution दिया था, तो ये भी नहीं होगा. Cornelius van Niel ने भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बताया था कि वाटर डोनर होता है ऑक्सीजन का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता. Priestley ने बेलजार एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब मिंट प्लांट रखा था तो उस मिंट प्लांट रखने की वजह से बर्निंग कैंडल और माइस के ब्रीदिंग से जो एयर खराब हुई थी, इम्प्योरिफाई हुई थी, उसको प्योरिफाई किया था प्लांट ने. तो उन्होंने बताया था कि ग्रीन प्लांट एयर को प्योरिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो Priestley के, जोसेफ Priestley के बेलजार एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चली थी. तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट कर्व शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस was given by Angelman using all except filamentous green alga Cladophora, unicellular green alga Chlorella, suspension of aerobic bacteria and prism to split the light in its components. तो आपको याद होगा कि Angelman ने prism को use किया था जिसमें white light split हुई थी 7 colors में. ठीक है, इन 7 colors में जहां पर रेड कलर की वेवलेंथ आ रही थी और जहां पर ब्लू कलर की वेवलेंथ आ रही थी वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया था. इस सस्पेंशन में यहाँ पर उन्होंने क्लैडोफोरा एल्गी को यूज किया था. क्लैडोफोरा एल्गी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज करेगी और एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा. सो ही यूज क्लैडोफोरा एल्गी, ही यूज एरोबिक बैक्टीरिया और उन्होंने प्रिज्म को भी यूज किया था. क्लोरेला को उन्होंने यूज नहीं किया था. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Question number 5 states that grana present in chloroplast or refers to. तो grana आपको पता होगा, ये chloroplast बनाया मैंने. Chloroplast में double membrane organelle होता है. ये outer membrane है, outer membrane and उसके अंदर we have the inner membrane. जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. अंदर इसमें थायलाकॉइड्स होते हैं. थायलाकॉइड के स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनम. प्लूरल होता है ग्रैना. दीज ग्रैनम आर लॉक्ड, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रोमा लैमेले.
आपका क्वेश्चन है कि ग्राना प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट रेफर्स टू स्ट्रोमा लैमेले नहीं, स्टैक्स ऑफ क्वांटाजोम्स नहीं, डबल मेम्ब्रेन एनवलप नहीं, इट इज एक्चुअली द स्टैक्स ऑफ थायलाकॉइड। ऐसा लगता है जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन, एक कॉइन जैसा थायलाकॉइड और स्टैक ऑफ कॉइन्स या स्टैक ऑफ थायलाकॉइड्स इज एक्चुअली हेयर इज ग्राना। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थ्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। Sorry. Choose the correct statement. Chlorophyll A is soluble in petroleum ether and shows maximum absorption P at 453 nanometer. It is actually 465 nanometer and 665 nanometer. 465 या 452 भी बोल सकते हो। तो ये आपका ये गलत हो गया, ठीक है? In chlorophyll B, CH3 replaces chlorophyll aldehyde at C3 carbon of chlorophyll A. Chlorophyll A is soluble in methyl alcohol and shows absorption maxima in 429 and 660 nanometer. For biosynthesis of chlorophyll, raw materials required are succinyl CoA and glycine. So, यहाँ पे chlorophyll B में CH3 CHO को replace नहीं करता। It is the CHO replaces CH3. तो aldehyde group होता है C3 carbon में। तो ये गलत हो गया। Absorption maxima 429 नहीं होता, 450 nanometer और 640 nanometer होता है। ये भी गलत हो गया। Chlorophyll की biosynthesis के लिए raw materials succinyl CoA और glycine होते हैं। तो answer to this question is option number 4. आगे बढ़ते हैं question number 7 की तरफ। Who described the first action spectrum of photosynthesis? तो prism experiment जिन्होंने किया था, that was done by T.W. Angelman. उन्होंने ही 7 colors में white light को split किया था और उन्होंने ही बताया था कि red और blue range में photosynthesis ज्यादा होती है, absorption maxima होता है chlorophyll A का और photosynthesis ज्यादा होती है। तो T.W. Angelman is the answer. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स दैट मार्क द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू कलर ऑफ द पिगमेंट्स इन द क्रोमैटोग्राम। क्रोमैटोग्राम में कैसे आप देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि आप लीफ को क्रश करते हो, ग्रीन कलर का पिगमेंट निकालते हो और उसे क्रोमैटोग्राफी पेपर पर प्लेस कर देते हो, मतलब थोड़ा सा डाल देते हो। फिर जब क्रोमैटोग्राफी आप करते हो तो क्या होता है, वो पिगमेंट जो लिक्विड होता है उसके साथ ऊपर जाता है और डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है। यू कैन सी द डिफरेंट कलर स्टेन्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ांथोफिल है या कैरोटीन है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर का दिखता है। कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का दिखता है। ज़ांथोफिल येलो ऑरेंज ग्रीन कलर का नहीं दिखता है। तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन केस ऑफ क्रोमेशियम एच डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, क्रोमेशियम इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है, it is a sulfur bacteria, sulfur bacteria hai, to isme hydrogen donor H2S hota hai, H2O2 nahi hota, water nahi hota, H2SO4 nahi hota, theek hai? It's not H2O2, it's not water, it's not H2SO4, it is actually हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, आपको याद होगा मैंने जब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं ऑक्सीजन, ATP और NADPH। इनमें से
ATP or NADPH are used during dark reaction to synthesize oxygen. ठीक है, सो एटीपी और एनएडीपीएच तो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे भी सीओ टू की वजह से गलत और यहाँ पर भी सीओ टू की वजह से गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बिल्कुल ठीक है, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. वेयर डज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. तो जब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जैसे कि ग्रैनम और स्ट्रोमा लैमिले थायलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन. ठीक है, जो पूरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. इसके अंदर होता है डार्क रिएक्शन, इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हैं, थायलाकॉइड ल्यूमन, थायलाकॉइड की कैविटी गलत हो गया, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन गलत हो गया, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सही है. ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं क्लोरोप्लास्ट. सो आंसर हो गया थर्ड, that is stroma of the chloroplast. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 12. During photosynthesis, the site for light reaction is stroma of the chloroplast, thylakoids of the chloroplast, double stranded circular DNA of the chloroplast, both 1 and 3. So stroma of the chloroplast is the site of dark reaction. डीएनए का कोई मतलब नहीं है फोटोसिंथेसिस के रिलेशन में कि भाई वहां पे साइट वहां पे फोटोसिंथेसिस हो. थायलाकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है. तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन क्लोरेला कम्स फ्रॉम. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आपको कॉर्नेलियस वैन गेल के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है. और ये CH2O बेसिकली एक तरह से सिंपल फॉर्मूला है ग्लूकोज का. CH2ON इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. वाटर से आती है, बोथ 1 एंड 2 नहीं होगा. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. डैश शोड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. जूलियस वॉन्साक, जोसेफ प्रेस्ले, जॉन इंजनहाउस एंड वैन गेल. जूलियस वॉन्साक ने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि ग्लूकोज जो होता है ग्रीन प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. उन्होंने ये भी बोला था जो ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे अब हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो एक स्पेशल बॉडी जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट उसमें स्टोर होता है. तो ये गलत हो गया. जोसेफ प्रेस्ले ने जैन वो बेलजार एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स कैसे इम्प्योरिफाइड एयर को प्योरिफाई करने के लिए एसेंशियल होते हैं. जैन इंजन हाउस ने बताया था कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. हाइड्रिला का जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, उससे उन्होंने ये बताया था. वैन गेल, कॉर्नेलियस वैन गेल ने एक्शन स्पेक्ट्रम, एरोबिक बैक्टीरिया और आपका क्लैडोफोरा को यूज करके आपका ये बताया था कि क्या कहते हैं, ब्लू और रेड रेंज ऑफ लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ.
Question number 15 states that, or read the following statement and choose the correct ones. So, carotenoids protect the chlorophyll A from photooxidation because carotenoids are necessary pigment. Dark reactions are not directly driven by light. वो बिल्कुल लाइट से डायरेक्टली ड्रिवन नहीं होते, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से ड्रिवन होते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. क्लोरोफिल ए शोज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. बिल्कुल ठीक बात है. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू लिपिड्स ओनली. ये गलत बात है. हंड्रेड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लिपिड से बाउंड नहीं होते, प्रोटीन्स वगैरह से बाउंड होते हैं. तो ये गलत हो गया. सो आंसर हो गया एबीसी, तो ऑप्शन नंबर वन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. तो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, पहले ये लिख लो. क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स में आपके पास आ गए कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर. गलत हो गया. कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के अंदर होता है. ठीक है. Absorb wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. बिल्कुल ठीक बात है. भाई क्लोरोफिल ए कुछ ही पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाकी वाइडर वेवलेंथ की अगर आप देखो कि वाइडर रेंज ऑफ लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स. द टू एंड थ्री आर करेक्ट, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17. एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉरेस्पॉन्ड्स क्लोजली टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ. तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ग्राफ में भी बताया था कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. सो क्लोरोफिल ए का करता है, बी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये हो गए एसेसरी पिगमेंट्स. क्लोरोफिल ए का कॉन्ट्रीब्यूट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये बात भी बताता है कि क्लोरोफिल ए एक चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 स्टेट्स दैट हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 to carbohydrates. This was demonstrated by Cornelius Van Niel. तो Cornelius Van Niel ने क्या यूज किया था, ग्रीन प्लांट्स को यूज किया था? नहीं. मैंने आपको बताया था कि Cornelius Van Niel ने बताया था कि ऑक्सीजन जो डोनेट कर रहा है वो वाटर कर रहा है, वो वाटर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है. उन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज नहीं किया था. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. मैच कॉलम वन विद कॉलम टू. तो आपको अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, कॉलम वन और कॉलम टू में जो जो रेंजेस हैं, अभी हमने कलर्स को डिस्कस किया था. तो मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन, क्लोरोफिल सी का कलर कैरोटीन्स का, कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स का कलर बोल सकते हो येलो टू येलो ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल्स का होता है येलो. सो इसको मैच करते हुए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ. 20th क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फॉर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले होता क्या है, इट इज क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिविजन ऑफ लेबर होता है. डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा के अंदर
डार्क रिएक्शन होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. कैनॉट अरेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट लाइट. तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से लाइट आएगी उस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये बात गलत हो गई. हैज मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर ट्रैपिंग सनलाइट. तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए उनके पास मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक बात है. हैज लाइट इंडिपेंडेंट नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस फॉर CO2 एसिमिलेशन. सो मेम्ब्रेनस सिस्टम में उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेटिक सिस्टम पिगमेंट्स वैसे भी प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेनस सिस्टम सनलाइट को ट्रैप कर सकता है. हैज लाइट इंडिपेंडेंट नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस फॉर CO2 एसिमिलेशन. CO2 एसिमिलेशन डार्क रिएक्शन में होता है. अब डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट तो है पर नॉन एंजाइमेटिक नहीं है, उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. तो आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सेकंड फर्स्ट और सेकंड गलत सही है, वो पी और आर ठीक हो गई, तो आपका आंसर हो गया दिस वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 स्टेट्स दैट फर्स्ट First action spectrum of photosynthesis was described by T.W. Angelman. तो एंजलमैन ने क्या किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको अभी बताया भी था, क्लैडोफोरा पे किया था, और उन्होंने यूज किया था एरोबिक बैक्टीरिया को. क्लैडोफोरा जो होता है वो होता है ग्रीन एल्गा. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड. ठीक है, सो राइट डाउन द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22 स्टेट्स दैट इन क्लोरोप्लास्ट द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ डैश एंड डैश. तो अब क्लोरोप्लास्ट में देखो, स्ट्रोमा विद द लाइट एनर्जी ट्रैप कर ली ना, मेम्ब्रेनस सिस्टम ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है. सिंथेसिस ऑफ CO2 गलत हो गया, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रोमा यहाँ पे गलत हो गया, सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH ठीक है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर 3. तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके यहाँ क्या क्या आ गए, थाइलोकोइड्स, ग्राना, स्ट्रोमा, लैमेले, और सिंथेसिस लाइट रिएक्शन हो रहा है तो ATP और NADPH का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23. Plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove was first hypothesized by. So plants जो होते हैं वो air को restore करते हैं, जो burning candle की वजह से और breathing animals की वजह से destroy हुई है, ये Joseph Priestley ने Belzoar experiment में hypothesize किया था. तो answer हो गया आपका option number 1. So it was first hypothesized by Joseph Priestley. आगे बढ़ते हैं question number 24 की तरफ. Identify A, B, C and D and choose the correct option. तो यहाँ देख लो, ये आपका D आपका क्या हो गया, membrane of chloroplast. ठीक है, A आपका stroma lamellae. B आपका स्ट्रोमा एंड C इज राइबोसोम्स. ठीक है, अब देखो D इम्परमिएबल इन नेचर गलत हो गया, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन इम्परमिएबल नहीं होती. जो बी आपका दिया हुआ है स्ट्रोमा, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन नहीं होता, स्ट्रोमा इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. सी आपका क्या दिया हुआ है, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स में स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ शीट स्टोर होते हैं, नहीं, राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं. और ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है स्ट्रोमा लैमेले, तो साइट ऑफ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले में साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25. If X is blue light and Y is red light and Z is green light, ठीक है, तो maximum photosynthesis कब होती है, blue और red light में होती है, तो X and Y में होगी, Z में होती है minimum.
दैट इज ग्रीन लाइट में होती है मिनिमम फोटोसिंथेसिस. सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर टू. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 26 शोज दैट हु शोड दैट ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. तो ये हमने हाइड्रिला में जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्वर्टेड फ्लोरल एक्सपेरिमेंट, किसने किया था? जैन इंजनहाउस ने किया था. तो उन्होंने ही शो किया था. प्रिस्ले ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ग्रीन प्लांट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. जूलियस बॉन्सैक ने ये बताया था कि स्टार्च स्टोर होता है, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है. एंजिन मैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, क्लाडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया और प्रिज्म को यूज करके. तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट्स दैट इन व्हिच लाइट मिनिमम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर. ब्लू और रेड में तो मैक्सिमम होगा, येलो में मिनिमम नहीं होगा, ग्रीन में मैंने अभी आपको बताया था मिनिमम होगा. तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन में होती है, मैक्सिमम होती है रेड और ब्लू रेंज में. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर 28, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. ये कैसे पता चला था? ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया था, आई जस्ट टेल यू. एक प्लांट लिया गया था उस प्लांट की लीफ का कुछ पोर्शन एक टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया था. उस टेस्ट ट्यूब में कॉटन डिप्ड विद KOH रखा था. KOH का काम क्या होता है? KOH जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी यहां पर वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी. तो यहां पर नो CO2 वॉज देयर और इस वाले रीजन में CO2 वॉज देयर बिकॉज ये रीजन एटमोसफेयर से एक्सपोज था. सो दिस रीजन वॉज एक्सपोज टू CO2. ठीक है, तो अब क्या देखा गया? कुछ टाइम के बाद इस लीफ को प्लग किया गया और इस लीफ के ऊपर परफॉर्म किया गया स्टार्च टेस्ट. स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमें पता चला द पोर्शन व्हिच वाज एक्सपोज टू CO2 टर्न्ड ब्लू ब्लैक और जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब में था did not turn blue black. तो इससे पता चला कि अगर CO2 ना मिले तो स्टार्च नहीं बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. That is why it shows that कि CO2 is essential for photosynthesis. So this was proved by Mole half leaf experiment. तो answer इस question का हो गया option number one. आगे बढ़ते हैं question number 29 की तरफ. Which scientist showed that प्लांट प्योरीफाई दी डैमेज्ड हेयर. तो प्लांट ने प्योरीफाई किया डैमेज हेयर को, ये प्रूफ किया गया जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट से. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. अबव सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड विद, ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है इट वॉज रिलेटेड विद जोसेफ प्रिस्ले. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर. So with this we have dealt with today's questions. We are going to deal with the next topic, that is light reaction, in the next class, and questions based on light reaction and dark reaction and factors affecting photosynthesis in the next tutorial. Stay safe, study well, bye bye, and see you soon.